बेमेतरा नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में कांग्रेस का कब्जा होने का एक बहुत बड़ा कारण क्रॉस वोटिंग की वजह से हुई है। बेमेतरा नगर पालिका के पार्षद चुनाव में भाजपा के 12 पार्षद, कांग्रेस की 8 पार्षद एवं एक पार्षद निर्दलीय चुने गए थे। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव लिए भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय पार्षद में बहुमत होने के बाद भी भाजपा पार्षद द्वारा 5 वोटिंग क्रॉस होने के कारण भाजपा बहुमत के बाद भी अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं करा पाए। भाजपा पार्षदों के बीच आपसी गुटबाजी, तालमेल नहीं होना है, इसी वजह से बहुमत होने के बाद भी अध्यक्ष पद के दावेदार को मात्र 7 वोट ही मिले, जबकि कुल 21 मत थे जिसमें एक निर्दलीय पार्षद भी शामिल है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा व कांग्रेस के बीच काफी कसमकज मत में मात्र 1 वोट से भाजपा पार्षद विजयी हुई। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो शहर का विकास, प्रदेश का विकास कर सकती है। जो जीत के आए उन्होंने भी ये माना, अगर शहर का विकास कराना है तो पार्टी के बाद विकास पहली प्राथमिकता है, तो कांग्रेस उन्होंने साथ दिया, उनको धन्यवाद। देखिए ऐसा नहीं है, जनता का आदेश है, सब साथियों का साथ है, कांग्रेस पार्टी की एकजुटता है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, संगठन वालों ने इसके लिए बहुत मेहनत की, उनको भी धन्यवाद। ये 7 वोट अचानक कैसे कांग्रेस को मिलने लगा? देखिए मैंने कहा ना, विकास प्राथमिकता, और सबको मालूम है कोई विकास करा सकता है तो कांग्रेस करा सकती है, और दोनों प्रत्याशियों को चेहरे को जब सामने आए तो लोगों ने इस बात को मंथन किया, उन्होंने विचार किया और उन्होंने माना कि विकास कोई कर सकता है, तो विकास के साथ वो लोग गए और विकास को उन्होंने